सरकार के स्वच्छ भारत के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अंबाला कैंट आजाद नगर के लोग गलियों में खड़े गंदे पानी में से गुजर कर जाने को मजबूर। प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्यवाही, पानी की निकासी का नहीं है कोई इंतजाम। बहुत बार स्थानीय लोग करा चुके हैं प्रशासन से गुहार, नालियों का पैसा भी खा गया ठेकेदार। नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश कुमार ने पानी निकलने का दिया आश्वासन। एक तरफ जहां सरकार करोड़ों रुपए स्वच्छता के नाम पर खर्च कर चुकी है, तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अंबाला कैंट के लोग आज भी गलियों में खड़े गंदे पानी में से गुजर कर जाने को मजबूर हैं। ये नहीं कि ये पानी अभी गलियों में खड़ा है, पिछले लगभग 2 साल से यहां का हाल ऐसा ही है। बता दें कि आजाद नगर का मुख्य रास्ता है, यहीं से निकलकर लोगों को गुरुद्वारे व खेड़ा और मंदिर में जाना होता है। जब यहां से पुरुष और महिलाएं गुरुद्वारा व मंदिर के लिए जाती हैं तो उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि मंदिर जाकर उन्हें अपने पांव धोने पड़ते हैं और फिर घर जाकर दोबारा अपने पांव को धोना पड़ता है। स्थानीय लोग प्रशासन से पहले भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, पर इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। ऊपर से कोरोना जैसी महामारी देश में निरंतर बढ़ती रहे, यहाँ पर खड़े पानी में मच्छर व अन्य जीव पैदा हो रहे हैं, लोगों में महामारी फैलने का भी खौफ है। जब इस बारे में नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश कुमार से बात की तो उन्होंने पानी निकलने का आश्वासन दिया और साथ ही सफाई करवाने के बारे में भी कहा। अब देखते हैं कि नगर परिषद की ओर से इस तरफ कितनी जल्दी ध्यान दिया जाता है। मैं आजाद नगर से सुपर मेजर आर के राणा बोल रहा हूँ, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल। मेरे पीछे जो पानी देख रहे हो, यह पानी परमानेंट खड़ा रहता है और हम इससे बहुत दुखी हैं। और ये मेन रास्ता है, यहीं से मंदिर में आदमी जाते हैं, यहीं से गुरुद्वारे में जाते हैं, और जो ये गंदा पानी खड़ा हुआ है, इससे इतने परेशान हैं कि प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि प्रशासन इस बात पर ध्यान दे और कुछ करवाए। यहाँ नालियाँ बननी शुरू हुई थी, लोकल राजनीति की वजह से वो नालियाँ भी अधूरी रह गई, जो आज तक नहीं बनी, और कागज़ों में ये नालियाँ पास दिखा दी गई हैं, इनका पेमेंट भी हो चुका है। इसलिए प्रशासन इस पर ध्यान दे, और जिस बात को अगर ये नहीं ध्यान दिया जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारी कॉलोनी वाले खड़े होकर के फिर हल्ला मचाएंगे, तब गवर्नमेंट को इंक्वायरी बैठानी पड़ेगी, क्योंकि पैसा इस नाली का लोग खा चुके हैं, ठेकेदार पैसा खा चुका है, और कोई भी पानी की निकासी यहाँ अभी तक नहीं है। उसी का नतीजा है कि हम इस गंदे पानी में रह रहे हैं, और एक बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड है, इससे मच्छर पड़े रहते हैं, गंदगी फैलेगी। आपसे अनुरोध है कि आप ये कुछ करवाइए। गलियों में पानी की निकासी के लिए अपने कर्मचारी लगाए गए हैं, और भी जहाँ जहाँ कहीं अगर पंप की ज़रूरत है, यहाँ पे जो ज़्यादा दिन से नहीं रुका तो वहाँ पे पंप की निकासी से पानी को निकलवाया जा रहा है। सीवरेज का तो पब्लिक हेल्थ के अंडर आता है, उससे तो जो है कि पब्लिक हेल्थ देखेगा, लेकिन जो हमारा जो अगर कोई कहीं पानी खड़ा या कहीं पे अगर रुकावट है तो उसको कर्मचारी भेज के या पंप के जरिए उसको निकलवाया जाए, उसके लिए भी कर्मचारी भेज देते हैं, उसको करवा देते हैं, जहाँ भी कोई समस्या है उसको समाधान करें।